Hello student, good morning to one and all present in lecture. I, Captain Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English and SRP and Associate NCC Officer of SRP Government College, Bandikui. Today, I am going to take class for BA Part 2nd year, paper 1st, the selected poems. In previous class, I have given a detailed description and introduction about G.G. Byron, his personal life, his literary career, and about the detailed description of the present poem, There is a Pleasure in the Pathless Woods, which is taken from Childe Harold's Canto 4th, the last one, and the last 9 stanzas. I have also given a detailed description about poem by which the poet impressed too much, and after that I have also given the summary of the poem There is a Pleasure in the Pathless Woods. As I told you, I have given a brief introduction about his personal life, his family life. So look at, come on, the opening line of this poem. I would like to start the poem without wasting any time. So students, get ready, be attentive, please open your book, and I would like to start the text very soon. So look at, there is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is a society where none intrudes by the deep sea and music in its roar. I love not man the less, but nature more. So look at, there is a pleasure in the pathless woods. Pathless woods, the open, the endless zone. To say, aisa rasta, पाथलेस, जहाँ जंगल, ऐसा जंगल जिसमें कि रास्ता नहीं होता है, कि देर इज़ अ प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स, जंगल में जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है वो मुझे अल्टीमेट होती है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो इन द लैप ऑफ द नेचर, एज आई एम द टू से द वर्शिपर ऑफ नेचर. मैं नेचर का बच्चा हूँ और नेचर को अपने जान से ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ, इसलिए आई लव द नेचर मोर. ही ऑल्सो सेड दैट आई फील मच रैप्चर, मच जॉय, मच हैप्पीनेस, मच एक्साइटमेंट. Where there is a lonely shore, near the bank of, or to say the near the shore of the sea, जो sea के जो किनारे हैं उनके पास मुझे अच्छा feel होता है. Where none intrudes, जहाँ पर मुझे कोई भी disturb करने के लिए नहीं आता है. By the deep sea, near the bank of the sea, by the deep sea, and music in its roar. और इसका अपना संगीत होता है. There is a music in its roar. जैसे जैसे हवा चलती है, waves आती हैं, किनारे से टकराती हैं, तो जो feeling मुझे होती है, जो rapture, जो joy, जो excitement मुझे मिलता है, उसके साथ साथ उसके जो आवाज़ आती है, उसका अपना जो music होता है, और जो उसका roar होता है, जो उसका शोर होता है, उसका अपना music होता है. I love not man the less. इन्होंने बहुत क्लियर अपने पहले ही स्टेंजाज में इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि मैं आदमी को कम प्यार नहीं करता हूँ. आई लव नॉट द मैन लेस, बट आई लव नेचर मोर. ही सेड दैट कि मुझे प्रकृति से बेहद लगाव है. हाँ, मैं आदमी को भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्रकृति को मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ. बहुत तरीके से बोलते हैं कि मुझे जो जंगल है, मुझे समुद्र का किनारा है, शीशोर है, उनके नियर बाय मुझे अपना अलग आनंद प्राप्त होता है. जंगल होते हैं, जंगल में अपनी एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ जो मुझे आती है वो उसका अपना म्यूजिक है. समुद्र के किनारे का अपना म्यूजिक है. आप देखिएगा कि ये जो समुद्र का किनारे का जोन है, आप ये इसके अलावा ये देखिएगा कि ये आपका प्रकृति का पार्ट है.
और ये आपको जो है फ्लावरिंग्स वगैरह हैं, और ये जो है आपका जो कहेंगे कि वुड्स है, जंगल है, पाथलेस वुड्स है। सो जब समुद्र में हवाएं तेज चलती हैं तो उसका अपना म्यूजिक होता है, अपना रोर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नियर द बैंक ऑफ इसके किनारे बैठेंगे तो इसकी जो वेव्स हैं जो किनारे से आकर टकराती है तो उनका अपना म्यूजिक है। ऑन द अदर हैंड जब हवा बहुत तेज़ी से जंगल में चलती है तो उसका अपना म्यूजिक होता है। तो दोनों का अपना अपना स्थान है। तो आई लव द कंपनी ऑफ टू से नेचर, आई जस्ट वांट टू जॉइन नेचर। नेचर फॉर मी इज़ द बेस्ट वन। मैं आदमी को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मुझे करना चाहिए, लेकिन हाँ प्रकृति और आदमी में अगर तुलना की जाएगी तो मैं प्रकृति को ज़्यादा प्यार करता हूँ। बायरन ऑल्सो सेड दैट कि मुझे जो प्यार है वो उसका रीज़न ये है कि मेरे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैन इज मेड टू डू मिस्टेक्स। प्रकृति के अंदर किसी भी तरीके की कोई आपको गलती नहीं मिल सकती है। हम लोग मल्टीपल एक्ट्स इस तरीके के करते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपनी आत्मा को, अपने जो हमारी सोच होती है उसको कहीं ना कहीं पॉल्यूटेट कर देते हैं। प्रकृति में उस तरीके का कोई भी पॉल्यूटेट जोन होने की संभावना नहीं है। उन पाप जो हमने कमिट किए हैं उनके दुष्प्रभावों से जो हमारे जहन में एक चिंता आती है उस टेंशन से रिलीज पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, आई जस्ट वांट टू गो इन कंपनी ऑफ नेचर। आई जस्ट वांट टू गो नियर द बैंक ऑफ द सी और टू से इन द पाथलेस वुड्स। में जंगल में जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ की जो शांति है, वहाँ का जो अपनापन है वो मुझे अपना लगता है। जो मेरे अंदर जो गंदगी है, जो मेरे अंदर जो मलिनता है, जो मैंने बहुत कुछ गलत एक्ट किए हैं, किसी को जाने अनजाने में मैंने परेशान किया होगा, तकलीफ़ दी होगी, कुछ बोला होगा, उन सबसे मैं अपने आप को अलग करके अब मैं कुछ वक्त प्रकृति की लैप में बिताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि प्रकृति मुझे कुछ जो बड़े होने वाले पाप है, मेरे साथ जो कुछ घटना घटित होने वाली है उससे शायद मुझे बचा ले। और वो ये भी बोलते हैं कि वो अपने आप पॉइंट इस चीज़ को महसूस करता है कि मैं अपने आप को इस समुद्र में, मैं अपने आप को टू से कि मैं पूरी तरीके से उसके नज़दीक आना चाहता हूँ, मैं उस प्रकृति का पार्ट होना चाहता हूँ। मुझे किसी भी तरीके का जो लगाव है इस सोसाइटी से अब वो नहीं। हाँ मैं ह्यूमन बीइंग को लव करता हूँ, मानव सभ्यता को भी लव करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती हैं, बहुत सारा छोटापन नज़र आता है जो मुझे इसमें मतलब मेरे मन को अच्छा फील नहीं होता है। सो जस्ट आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज एक्ट्स। आई जस्ट वांट टू गो नियर द ऑर टू से इन द लैप ऑफ नेचर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ बेटर इन अ बेटर वे। और भी बात करते हैं कि वो इस ब्रह्मांड में मिल करके, इस प्रकृति में मिल करके, एक भावना शून्य होकर के अपनी जो अच्छाई है उसको बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहता है। और भी बात करता है कि मैं एक्सप्लेन तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन और टू से कि आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। रीजन उसका यही है कि मैं अपना व्यक्तित्व को प्रकृति के साथ में मिला देना चाहता हूँ। आगे देखिए, फ्रॉम दीज आर इंटरव्यूज इन विच आई स्टील फ्रॉम ऑल मे बी और हैव बीन बिफोर and to say, he said that from all my all may be or have been before, to mingle with the universe and feel what I can never express yet cannot to conceal. बहुत कुछ मेरे अंदर है, मेरे जो बारी बारी से जो आइडिया आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फ्रॉम दीज आर इंटरव्यूज जो मैं बारी बारी से इंटरेक्ट करता हूँ नेचर के साथ में, सोसाइटी के साथ में, तो मेरे बहुत सारे आइडियाज़ निकल करके बाहर आते हैं। और वो क्या है, इन विच आई स्टील, मुझे
थोड़ा अपने आप को खोया हुआ सा महसूस होता हूँ, कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता हूँ. फ्रॉम आल आई मे बी, कि मैं जो कुछ आज हूँ और हैव बीन बिफोर, या पहले जो कुछ रहा हूँ, टू मिंगल विद द यूनिवर्स, मैं इस ब्रह्मांड में मिक्स होना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पहले का और बाद का मुझे नहीं पता कि कितनी सारी गलतियाँ मैंने कमिट की हैं और आने वाले टाइम में मैं कितनी गलतियों को कमिट करूँगा, उन सबसे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ. एंड फील वाट आई कैन नेवर एक्सप्रेस, मैं महसूस करता हूँ कि जिन चीज़ों को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो चीज़ों को मैं इंटरप्रेट करना चाहता था, उन चीज़ों को मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया. येट कैन नॉट ऑल कंसील, और ये भी बात है कि मैं उन सबको कंसील नहीं कर सकता, उनको छुपा नहीं सकता. ये मेरी अपनी ड्रॉबैक्स है, अपनी कमजोरियाँ हैं. रोल ऑन ही सेज, रोल ऑन दाउ द डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन, रोल ऑन 10,000 feet स्वीप ओवर दी इन वैन मैन मार्क ऑन अर्थ विद रून इज कंट्रोल स्टॉप विद द शोर अप टू अपॉन द वाटरी प्लेन द रैक्स ऑल आर थाई डीड्स नो डॉथ रिमेन्स ए शैडो ऑफ मैन रवेज save his own when for a moment like a drop of rain he sinks into it thy deep and bubbling gone without grave unnailed uncoffined unknown. Look at the explanation of the poet. The poet here expressing his feeling towards the sea. Roll on, lala rayo, continue, carry on, oh, roll on, thou deep and dark blue ocean, oh ocean, तुम तो dark हो, deep हो, blue ocean हो, जैसा तुम 10,000 साल पहले थे, try it now today, still you are, roll on, आप में कोई भी गिरावट नहीं आई है. मानव मेड सभ्यताएं कितनी ही बनी, कितनी ही बिगड़ी, और बनेगी और बिगड़ेंगी, लेकिन आपके स्वरूप में किसी तरीके का सिंजज नहीं है. ओशन हियर द पोइट इंडिकेटिंग द मेडिटेरियन सी, प्रशांत महासागर की बात करते हैं यहां पर. एंड ही सेज 10,000 feet स्वीप ओवर द इनवेन, जंगी जहाज बेड़ा 10,000 feet स्वीप, हजारों 10,000 10,000 फ्लीट स्वीप आए और चले गए, मतलब जंगी जहाज बेड़ा तुम्हारे ऊपर खूब तैरा, खूब बहा, खूब चला, सम आए ओवर दी इनवैन, लेकिन वो सब वेस्ट रहा. मनुष्य ने समुद्र पर भी कब्जा करने की कोशिश की, बहुत सारे अरमाड़ा एंड टू से मल्टीपल जो टाइटैनिक, बहुत सारे जंगी जहाज बेड़ा उन्होंने, मानव ने अपने द्वारा निर्मित किए हैं, बनाए हैं, और उनके द्वारा वो प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता है. यानी कि वो हाँ जो है प्लेन के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, टू से अर्थ के ऊपर है, वो अपने निशान छोड़ सकता है, अपना अधिकार कर सकता है. लेकिन अगर हम बात करें समुद्र के ऊपर, तो वहाँ पर उसकी सारी सीमाएं कंट्रोल हो जाती है. मैन मार्क्स द अर्थ विद रून हिज कंट्रोल, मैन अपने मार्क्स, अपने निशान छोड़ सकता है. कहाँ? मैन मार्क्स इट्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर छोड़ सकता है, विध्वंसक मचा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, एटम बम्स गिरा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को वो वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है. स्टॉप्स हिज कंट्रोल, मानव का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है. कहाँ पर उसका कंट्रोल हो जाता है ख़त्म? स्टॉप विद द शोर, जब समुद्र के किनारे नज़दीक वो पहुँचता है तो वहाँ उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. एंड अपॉन थाई वाटरी प्लेन, जैसे ही वो आपकी वाटरी सरफेस पे आता है उसका जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है. अब उसका जो कंट्रोल है वो आपके ऊपर नहीं रहता है. द रैक्स आर थाई, आर ऑल थाई डीड्स, और जो ये रैक्स हैं, जो विनाश हैं, जो इसको एंड जो आपने किया है इतने सारे जंगी जहाज बेड़ों का, है द रैक्स आर ऑल थाई डीड्स, ये सारे तुम्हारे कार्य हैं, तुम्हारी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया है. नो डथ रिमेन, और कोई भी परमानेंट नहीं रह पाया है. नो डथ रिमेन, और
as shadow of man's ravage, save his own. उसको केवल और केवल रवेज, विध्वंस जिसको कहते हैं, डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, सेव एक्सेप्ट ए सेट ऑफ मैंस रेवेज. मनुष्य अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है कि मेरे रेवेज से, मेरे विध्वंस से सब कुछ नष्ट हो जाएगा. तो वो सेव हिज ऑन, वो अपना ही कर सकता है. वैन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मनुष्य, उस मनुष्य का भी विध्वंस हो जाएगा अगर वो समुद्र के ऊपर आकर के उसने किसी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ को एक्ट करने का, एक्टिवेट करने का कोशिश किया. तो समुद्र जो है, अपना गुस्सा है जो, वो इस तरीके से दिखाता है कि वैन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए ज़रूर वो गुस्सा दिखा सकता है मनुष्य, लाइक ए ड्रॉप ऑफ रेन, लेकिन उसको ख़त्म कर देता है समुद्र लाइक ए ड्रॉप ऑफ रेन. कि जिस तरीके से आदमी समुद्र के ऊपर एक जैसे बरसात की बूंद गिरती है, थोड़ा सा एक बबल बनता है, एक इम्पैक्ट छोड़ता है कि हाँ बूंद गिरी, ऐसा मनुष्य अपना प्रभाव समुद्र के ऊपर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए ऐसा वो कर सकता है. When for a moment like a rain drop, he sinks into thy deep and bubbling groan. और वो बहुत जल्दी फिर तुम्हारी जो deep जो zone है उसके अंदर bubbling करते हुए डूब जाता है. उसको बचाने वाला भी कोई नहीं आता है, उसकी कोई help नहीं कर पाता है. And then what happens? Without a grave, उसको कुछ नसीब नहीं होता, ना उसको grave नसीब होती है. Unnailed, उसको किसी तरीके का कोई ताबूत नहीं मिलता है, कफिन नहीं मिलता है, unnailed होता है. And unknown, और कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है. उसकी जो मौत होती है वो unknown, unseen, पूरी तरीके से ऐसी होती है जिसका कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता है. अब पोइट का बहुत ही सुंदर नज़रिया है कि वो मेडिटेरियन सागर, जिसको अल्बन्स हिल्स के किनारे से उसको देख करके ये बात करता है और ये बोलता भी है कि जो मनुष्य है वो 10,000 जहाज़ों के साथ अगर चुनौती देने का प्रयास करता है, 10,000 जो आपके जंगी जहाज़ बैठा है उनके साथ में भी अगर किसी तरीके की चुनौती देने का प्रयास करता है, तो उसकी चुनौती वहीं पर ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि मनुष्य सागर पे निशान नहीं छोड़ सकता, पृथ्वी पर अपना विध्वंस मचा सकता है, पृथ्वी पर बहुत सारी तकलीफें, दिक्कतें पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी सारी शक्तियां, सारी तकलीफें जैसे ही वो समुद्र के किनारे पर आता है वहां पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है. मनुष्य के नाश का कोई निशान नहीं बचता है. अगर उसने समुद्र के साथ में छेड़खानी की, ठीक उसको एक ऐसा महसूस ज़रूर हो सकता है जैसे वर्षा की एक बूंद एक क्षण के लिए मनुष्य को, मतलब कहें कि एक बबल की तरह मनुष्य को उस गहरे सागर में डुबो देता है. और उसके बाद जो उसकी सांस के जो बुलबुले हैं, बबल्स हैं, वो मात्र उठते हैं. ना उसको कब्र मिलती है, ना उसकी मौत पर नेल्स बजती हैं, मतलब घंटियां नहीं बजती हैं, चर्च में किसी तरीके का कोई चर्चाएं नहीं होती है, ना ही किसी तरीके की कोई उसके बारे में जानकारियां मिल पाती हैं. सो इट्स अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द पोइट जॉर्ज बायरन. लुक एट His steps are not upon thy paths. His steps are not upon thy path. उसके steps आपके ऊपर रास्ता नहीं बना सकते हैं. Thy fields are not a spoil for him. Thy fields are not a spoil for him. Thou does arise and shake him from thee, the wild strength he wields for earth's destruction. Thou dost all despise, sprung him from thy bosom to the skies and send him shivering in thy playful spray and hollowing to his god where happily lies he his petty hope in the in some near port or bay and dashes him again to the earth
there let him lay. Here the poet give a detailed description about the sea. He give a detailed description about the power of the sea. Look at, he says, his steps are not upon thy paths. Uske steps तुम्हारे ऊपर रास्ता नहीं बना सकते हैं. थाई फील्ड्स, थाई वाइड एरिया, जितना विस्तृत जोन तुम्हारा है वहाँ पर मनुष्य अपना रास्ता कभी भी नहीं बना सकता है. आर नॉट ए स्पॉइल फॉर हिम, और वो जो स्पॉइल है, जो लूट का धन है जो लेकर के वो आया है, डाउ डॉज अराइज, जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब वो जहाज़ों में अपना लूट का धन लेकर के जाता है और जब तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम वेकअप हो जाते हो, एंड सेकन हिम फ्रॉम दी, और तुम फिर उसको बहुत दूर फेंक देते हो, तुम अपने आप से उसको बहुत दूर फेंक देते हो. और द वाइल द मीन, वाइल द मीन स्ट्रेंथ ही वील्ड, और जो उसके पास झूठा एक दिखावा है जिसकी वो चर्चा करता है, जो पोजीशन में उसके है, जिसके लिए वो बहुत घमंड में रहता है कि यस मेरे पास इतना धन दौलत है, इतना पावर है. फॉर अर्थ डिस्ट्रिक्शन दाउ डॉस ऑल डिस्पाइज, हो सकता है कि अर्थ के डिस्ट्रिक्शन के लिए वो सब कुछ यूज में लेता हो, जिससे कि यू डिस्पाइज, आपको उसे सख्त घृणा होती है. स्प्रिंग हिम, लेकिन तुम उसको दूर फेंक देते हो, स्प्रिंग की तरह ठुकरा देते हो. हिम फ्रॉम द बूजम टू द स्काईज, तुम्हारे ब्रेस्ट से, तुम्हारे बूजम से, तुम्हारे हार्ट से टू द स्काईज, आसमान में तुम उसको उछाल देते हो. किस तरीके से, लाइक ए प्लेफुल स्प्रे, एंड सेंड हिम, और तुम उसको भेज देते हो. एंड सेम हिम एंड सेंड हिम सिवरिंग इन द प्लेफुल स्प्रे, और वो फिर ट्रेम्बलिंग करता है, सिवरिंग करता है, और सिवरिंग इन द प्लेफुल स्प्रे, वो जो सो उसकी बावर है, जिसको कहा जाए कि प्लेफुल अनसिम्पैथेटिक वे में, जब उसकी वेव समुद्र की बहुत तेज होती हैं, तो वो फिर उनको बावर के साथ, शॉवर के साथ, स्प्रे के साथ आप उसको दूर फेंक देते हो. हिज पेटी हॉप एंड नाउ ही ट्रेम्बलिंग एंड से हे भगवान, हे गॉड, मुझे बचा लो. और फिर वो प्रे करता है बहुत विभिन्न तरीके के गॉड जो उसने एस्टेब्लिश किए नियर द बैंक ऑफ द सी, जो समुद्र के किनारे पर उसने जो बे और जो कोर्स हैं, जो शोर्स हैं, उनके नियर किनारे पर उसने जो अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, क्रिश्चियन आपसे कि आपकी चर्च वगैरह जो भी बना रखी हैं, उनके लिए वो प्रे करता है. हैं, इस पेटी हॉप, पेटी हॉप तुच्छ, द रिलीजियस पार्ट जिनका मैंने नाम लिया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो भी हैं, नियर द पोर्ट और बे, बंदरगाह के नज़दीक और ये खाड़ी के नज़दीक, जो भी पोर्ट, जो बंदरगाह है उसके नज़दीक हो सकता है, खाड़ी के नज़दीक हो सकता है, उनके लिए वो अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है, परवरदिगार से, परमात्मा से वो प्रेयर करना शुरू कर देता है. एंड क्या कहता है, एंड डेसर्ट हिम अगेन टू द अर्थ, और फिर तुम क्या करते हो, पहले तो उसको सिंग करते हो, फिर उसको स्प्रे करते हो, उछालते हो, और उसके बाद डेसर्ट होता टू एंड डेसर्ट हिम टू द अर्थ, और दोबारा से तुम उसको पृथ्वी की तरफ धकेल देते हो. देयर लेट हिम ले, तुम उसको वहाँ पर फेंक देते हो. तो जो पोइट है उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जहाँ वो बात करते हैं कि जो मनुष्य है वो समुद्र की सतह पर अपने पैरों से चल नहीं सकता, निशान छोड़ नहीं सकता, उसके ऊपर अपना रास्ता नहीं बना सकता. मनुष्य सागर की संपत्ति का दोहन नहीं कर सकता है, वो उसको लूट करके नहीं ले जा सकता है, उसका जहाज़ों में भर करके नहीं ले जा सकता है. जब चाहे समुद्र, जब तक शांति है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब चाहे समुद्र अपने उससे आपको बाहर फेंक देगा, सतह पर आपको ऐसी जगह भी नसीब नहीं होगी जहाँ पर कि आप कुछ चीज़ को उठा करके लेके जा सको. मनुष्य जिस राक्षसी शक्ति का उपयोग, जिस मिसाइल्स का, बम्स का, एटम बम्स का प्रयोग पृथ्वी के विनाश के लिए यूज करता है, वो सागर जो है उसकी उपेक्षा करके मनुष्य को बहुत दूर भेज देता है, उछाल देता है, नष्ट कर देता है. मनुष्य पानी से भीग कर कांपता है
और स्प्रे की तरह जैसे ही उसको चलता है शॉवर्स के साथ में, वेव्स के साथ में, तो फिर वो उसके बाद में कांपता हुआ देवी देवताओं से रक्षा, परमात्मा से, परवरदिगार से, भगवान से, जो भी उसकी पेटी हॉप है उससे प्रार्थना करता है, जो कि उस वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो भी उसने खुद ने एस्टेब्लिश किए हैं उनको ही फिर वो मतलब उनसे बोलता है कि हाँ प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। ये नहीं बोलता है कि हे परवरदिगार, हे परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, वो पर्टिकुलर नाम लेकर के उन भगवान देवताओं की आराधना करता है। और फिर जो है समुद्र की वेव्स से फिर जो उससे सागर जो है उसको दोबारा उस किनारे पर फेंक देता है, और वो मनुष्य कब फेंक देता है, जबकि वो मर जाता है। इस प्रकार सागर की जो शक्ति है बहुत विशालकाय है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास में इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे की पोएम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंस के साथ में मेरे इसको सुना। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।